Welcome students, how are you? I hope so you are all fine at your home. Today's class hour is GS Standard 2nd, Chapter number 14, Lights and Shadow, Part 1. Open your book, page number 72. Okay, student, light and shadow. लाइट यानी कि प्रकाश, शेडो यानी कि साया। जब हम चलते हैं धूप में, और आपने देखा होगा कि हम चलते तो हमारा जो शेडो, गुजराती में हम क्या कहते हैं, परछाई, तो उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, शेडो। ओके, वो पड़ता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं लर्निंग पॉइंट कौन से हैं। शेडो चेंज इन डायरेक्शन एंड शेडो चेंज इन लेंथ। ओके, तो जैसा डायरेक्शन चेंज होता है वैसे शेडो भी हमारा चेंज होता है, और शेडो चेंज कैसे होता है, उनकी लेंथ जो होती है वो कभी बढ़ जाती है, कभी कम भी हो जाती है, तो उनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है शेडो, शेडो के बारे में देखेंगे। विल ट्रैवलिंग ऑन द हॉट समर डे वी लाइक टू रेस्ट इन द शेडो ऑफ अ ट्री। ओके, जब हम समर में ट्रैवलिंग करते हैं तो समर में ज़्यादा धूप होती है, आप सबको पता ही होगा। ओके, तब हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो हम कहाँ पे रेस्ट करते हैं, ट्री के नीचे रेस्ट करते हैं। तो उनसे हमें क्या मिलेगा कि ट्री के नीचे हम कंफर्टेबल फील करेंगे। वी फील कूल एंड कंफर्टेबल अंडर द ट्री। ट्री के नीचे जब हम रेस्ट करते हैं तो हमें कूल महसूस होता है, धूप कम लगती है और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। द ट्री ब्लॉकेट्स द सनलाइट एंड कास्ट अ शेडो। तो ट्री जो होता है वो सनलाइट एकदम हॉट होती है, उनको ब्लॉक करती है, और हमें हमारा जो शेडो होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पार्ट ऑफ लाइट अ शेडो इज फॉर्मेड। द शेडो इज फॉर्मेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑन द लाइट। ओके, तो जब सामने सनलाइट होती है तो शेडो कब कैसे होता है, ऑपोजिट साइड होता है। अब हम उनकी एक एक्टिविटी करेंगे। लाइट अ कैंडल इन अ डार्क रूम। डार्क रूम के अंदर अंधेरा वाला जो रूम होता है उसमें हम क्या करेंगे, एक कैंडल लेंगे, उनको जलाएंगे। पुट द कैंडल टू द लेफ्ट ऑफ अ कार्डबोर्ड। ओके, जहाँ पे हम कैंडल रखेंगे उसके लेफ्ट साइड हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड, एक टुकड़ा सा पुट्ठा का जो टुकड़ा आता है वो कार्डबोर्ड हम रख देंगे। द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड इज फॉर्मेड टू द राइट ऑफ द कार्डबोर्ड। तो उनका जो शेडो होगा, कार्डबोर्ड का जो शेडो होगा वो कौन से साइड होगा, राइट साइड। हमने रखा कौन से साइड है, लेफ्ट साइड, बट उनका जो शेडो है वो राइट साइड होगा। ओके, पुट द कैंडल टू द राइट ऑफ द कार्डबोर्ड। तो अब कैंडल हम राइट साइड लगा देंगे कार्डबोर्ड के। दिस टाइम द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड इज फॉर्मेड टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डबोर्ड। तो वो शेडो कैसे चेंज हो जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। शेडो चेंज इन डायरेक्शन। तो जैसे ही कैंडल की हमने डायरेक्शन चेंज की तो वैसे उनका शेडो भी चेंज हो गया। तो हमने कैंडल राइट साइड रखी थी तो शेडो कौन से साइड था, लेफ्ट साइड, और जब हम लेफ्ट साइड कैंडल रखी थी तो शेडो कौन से साइड था, राइट साइड। अब यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए स्टूडेंट्स, थ्री मॉर्निंग के हैं, नून और इवनिंग। तो मॉर्निंग में जब सन की जो लाइट होती है वो कम आती है। ओके, तो स्टैंड इन द सन इन द मॉर्निंग। तो आपको क्या करना है, जब मॉर्निंग 8 बजे जब सूरज उगता है तब आपको सूरज के सामने खड़ा रहना है। एंड वॉच योर शेडो, और आपको देखना है कि आपका जो शेडो है वो कैसा है। अगेन स्टैंड इन द सन एट नून एंड अगेंस्ट इन द इवनिंग। फिर आपको नून में भी खड़ा रहना है, नून में यानी कि 12 बजे के बाद आप जब सन के सामने खड़े हो गए तो आपका शेडो कैसा है वो देखना है, और इवनिंग यानी कि जब सूरज ढलता है तब भी आपको सूरज के सामने खड़ा होकर आपको देखना है कि आपका शेडो कितना है। एंड वॉच योर शेडो ईच टाइम। तो ये तीनों टाइम में आपको क्या करना है, आपका शेडो देखना है, मॉर्निंग में, नून में और इवनिंग में। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग योर शेडो आर लॉन्ग। जब मॉर्निंग में आप खड़े होगे और इवनिंग में सन के सामने खड़े होगे तो आपका शेडो कैसा होगा, एकदम लॉन्ग होगा। इन द दिस इज बिकॉज द सन इज लो
इन द स्काई. क्यों ऐसा होगा कि शेडो हमारा लंबा होगा? तो उनका रीज़न ये होगा कि जब सन मॉर्निंग में जब उगता है तब आकाश में कम फैलता है. ओके, उनकी जो लाइट्स होती है वो कम होती है, इसीलिए हमारा शेडो लंबा होता है. और इवनिंग में जब सूरज ढलता है तब भी उनका लाइट जो होती है सन की वो कम होने लगती है, इसीलिए हमारा शेडो लंबा होता है. एट नून द सन इज राइट ओवर हेड. और नून में सन कहाँ पे होता है? हमारे हेड के ऊपर होता है. सो द शेडो इज शॉर्ट, इसीलिए शेडो जो है वो कैसा होगा? शॉर्ट होगा, क्योंकि सन हमारे सर पे होता है इसीलिए. और शेडो चेंज इन द लेंथ, और ऐसे ही जो शेडो है वो उनकी लेंथ चेंज होती रहती है. नाउ आई नो फर्स्ट डे व्हेन an object block the parts of light a shadow is formed. And second है shadows change in direction. Shadow direction जैसे change होता है वैसे shadow भी change होता रहता है. Third है shadow change in length. Shadow की length भी change होती रहती है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 लाइट एंड शेडो का पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब हम देखेंगे उनके हार्ड वर्ड्स. तो फर्स्ट है शेडो, ट्रैवलिंग, समर, कंफर्टेबल, सनलाइट, ऑपोजिट, कार्डबोर्ड, डायरेक्शन एंड लेंथ. तो ये सारे जो हार्ड वर्ड्स हैं वो आपको जीके की बुक्स सॉरी जीएस की बुक्स के अंदर आपको लिखना है और लर्न करना है. नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे.